प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे जैसे तू रखे वैसे रहूंगी दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी स्वर्ग के सुख भी मीठे न लागे तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे खाना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे सृष्टि के कण कण Hey राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी आरती की तैयारी कीजिए, आज समय तो बहुत विलंब हो चुका है। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी समय कांत का
मोरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मोरारी की कनक मय मोर मुकुट विलस कनक मय मोर मुकुट विलस देवता दर्शन को तरस मधुर मेर संग मालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलुष कलिहारे स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा वशिष्ठ वशिष्ठ जटा के बीच चरण बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु सत मृदु मंद चांदनी चंद तटत भर बंद तेर सुन दिन विकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की बोलिए वृंदावन बिहारे लाल की जय भागवत महापुराण की जय Thank you.
धर मुरली गिरधरम कुंडल मुकुट कर लकुट मिलसे सावरे महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोलोकेश्वरी ब्रजेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण प्राणा निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से रासलीला का श्रवण हम सबने कल किया। उसके पश्चात दशम स्कंद पूर्वार्ध में जो शेष कथा है और उत्तरार्ध में रुक्मिणी विवाह तक की कथा आज श्रवण करेंगे। कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर कथा में प्रारंभ करेंगे, प्रवेश करेंगे। भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम 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 हरे हरे ओ परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम
मुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बाल मुकुंदम हरे हरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम 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 संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे संसारे खलु दुस्तारे परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे जय हो गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे हो भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे ओ परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम परमानंदम हरे हरे ओ भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे हे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम 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 संसारे खलु दुस्तारे मारे मारे गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम जय हो हो भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे ओ भज गोविंदम परमानंदम बालमुकुंदम हरे हरे बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो गोपियों ने अपनी समस्त वृत्तियों को भगवान को ही अर्पित कर रखा था अपने समस्त इंद्रियों को चित्त की समस्त वृत्तियों को एकमात्र भगवान को ही समर्पित कर दिया था स्वसुख की उनको कामना बिल्कुल भी नहीं थी केवल भगवान का ही सुख चाहती थी अपने प्रेतम का ही सुख चाहती थी ऐसी गोपियाँ घर के काम करते हुए परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी समस्त वृत्तियों को उन्होंने भगवान कृष्ण को अर्पित कर रखा था इसलिए भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें सर्वोपरि उनकी गिनती होती सबसे ऊपर उनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता उनका 1% का भी हजारवां हिस्सा किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए अपने चित्त को किस तरह भगवान में लगाएं ये तो गोपियों से ही हमें सीखना चाहिए गाय दोहते हुए घर के काम करते हुए बच्चों की सेवा पति की सेवा करते हुए उनका भरण पोषण करते हुए
घर के काम में लगी तो रहती थी लेकिन मन उनका कृष्ण में ही लगा रहता था। यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा कहा है भक्ति सूत्र में, जैसी भक्ति गोपियों ने की। अब उस स्तर तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते, फिर भी एक मॉडल, एक आदर्श जो होता है वो गोपियां ही हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, तो ये भक्ति की बड़ी महिमा है। अब कलयुग में तो कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी, कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म को प्रदान करने वाली है, इसलिए कीर्तन की और भी भक्ति के जो अन्य साधन हैं उनकी, नाम जप आदि की बड़ी महत्ता है, कथा श्रवण आदि की बड़ी महत्ता है। गोपियां जब तक कृष्ण जी उनके समीप रहें उनके दर्शन करती, और जब कृष्ण जी उनसे कुछ दूर चले जाएं तो उनकी चर्चा करती थी। प्रीतम पास में हो तो उनके दर्शन करती, और दूर हो जाएं तो उनकी ही चर्चा किया करती थी, कोई व्यर्थ चर्चा नहीं करती थी। युगल गीत है भागवत जी में 35वें अध्याय में, एक दो श्लोक लेते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्ययति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिता सहसेद्धैर्वेस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपस्मृतनेव्यः। ये स्वागता छंद है श्रीमद् भागवत जी में, यहीं पर ही यह छंद आया है इस अध्याय में। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम, गोपियां कृष्ण जी के स्वरूप की, रूप की चर्चा करते हुए और उनके श्रृंगार की चर्चा करते हुए आपस में कह रही हैं कि सखी, एक तो हमारा श्याम सुंदर है ही बहुत सुंदर, त्रिभुवन सुंदर तो है ही वो, और ऊपर से उनकी जो अदाएं होती हैं वो देखते ही बनती है। फिर वाम बाहुकृत वाम कपोलो, भगवान कृष्ण तो सीधे खड़े होते ही नहीं हैं, पैर के तलवे से लेके मुकुट तक सब कुछ टेढ़ा होता है, कमर से भी मुड़े हुए, कंधे से भी मुड़े हुए, गर्दन भी एक तरफ झुकी हुई, और मुकुट वक्र, जो उनकी दृष्टि है वो भी तिरछी ही होती, वक्र दृष्टि, ऐसे ललित त्रिभंगी। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोपियां कहती, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, अपने बाएं कंधे तरफ अपने बाएं गाल को झुका देते हैं, ऐसा इसको कुछ उठा देते हैं, इसको कुछ झुका देते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु, और जब बंसी को बजाते हैं, धारण करते हैं, कोमलांगुल भिराश्रित मार्गम, और उंगली के छिद्रों में जब अपनी कोमल उंगलियों से संचालन करते हुए उस बंसी में जब स्वर फूंकते हैं सखी, तो उनका वह रूप देखते ही बनता है। बंसी बजाते हुए जो भगवान का रूप है वो देखते ही बनता है। अब उस रूप को देखकर हम क्या कहें, जो देव स्त्रियां हैं, अब देवता बड़े सुंदर होते हैं, मनुष्यों से भी बड़े सुंदर देवता गंधर्व आदि, उनकी स्त्रियां भी विमान में बैठकर जब हमारे श्याम सुंदर को निहारती हैं, उनके पति भी उनके बगल में ही होते हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं कि वो किसी की पत्नी है, और लज्जा का परित्याग करके एकटक हमारे श्याम सुंदर को दिन रात निहारा कर, दिन भर निहारा करती हैं। उनको निहारते देखते देखते शाम हो जाती है, उनका आंचल सरक जाता है, उनको पता नहीं चलता, सुधबुद नहीं है, देह की सुधि नहीं है, तो वस्त्र की सुधि कौन रखे। उनके बालों में लगे फूल नीचे गिरते जाते हैं, और वो इस तरह लज्जा का परित्याग करके हमारे श्याम सुंदर को निहारती रहती हैं। इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर जी, ऐसे अनेक श्लोकों में, लगभग 25 श्लोकों में, 24-25 श्लोकों में इस तरह का भाव भरा हुआ है। अब तो एक ही दो श्लोक की व्याख्या हो पाई, तो भागवत जी तो इसीलिए कहा गया है ना, ये पूरा रसमालय है, छिलका और गुठली से रहित ये ऐसा फल है कि एक श्लोक भी इसमें छोड़ने लायक नहीं, परंतु 7 दिन की समय सीमा होती है तो प्रमुख प्रमुख श्लोकों को ही ले पाते हैं एक एक अध्याय में।
ये युगल गीत। अब भगवान कृष्ण रासलीला का आयोजन करते हैं, गोप ग्वालों को परमानंद प्रदान करते हैं, गोचारण लीला करते हैं, कुछ असुरों का उद्धार भी करते हैं। ब्रज में रहते हुए लगभग 11 वर्ष तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया, माता पिता को आनंद प्रदान किया। अब ब्रज में जो रस अभी बरस रहा है भगवान की उपस्थिति में, उसको तो शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। कितना सुख भगवान को भी मिल रहा है, देखिए अकेले भक्त ही सुखी नहीं है। यशोदा और नंद ने कितना वात्सल्य उड़ेल दिया कि भगवान के मन नहीं होते हुए भी, उनके श्री विग्रह में मन नहीं होता है, फिर भी दूध पीने की इच्छा उत्पन्न कर दी। ये यशोदा के वात्सल्य का चमत्कार था। और इसके बाद में अब राधा जी के संग अन्य गोपियों के संग उन्होंने प्रेम किया, रास का आयोजन किया, ग्वालों के साथ मित्रता की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म अपने ऐश्वर्य को भूल करके उन ग्वालों के साथ मित्रता करते हैं। अब बंसी भट्ट गोवर्धन जी, यमुना जी का पावन तट और कदम्ब का वह वृक्ष, गाय गोधन, इन सबके साथ भगवान को न जाने कितना सुख उनको भी तो प्राप्त हुआ होगा। इनको छोड़ना तो वे भी नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन जीव और ब्रह्म में यही अंतर है। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से हमें सुख मिलता है तो हम वहीं रुक जाना चाहते हैं, उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन ब्रह्म और जीव में यही अंतर है। ब्रह्म आवश्यकता पड़ने पर कभी भी छोड़ के जा सकता है और जीव जो है छोड़ नहीं पाता। गृहस्थ में रहना ये दोष नहीं है, लेकिन समय रहते उड़ जाना नहीं, उड़ना ये दोष है, उड़ जाना उचित होता है। जैसे कमल के फूल पर भंवरा बैठता है, ठीक है, उसका भोजन है, उसका सुख है, उसका रस है, कमल पर बैठे कोई दोष नहीं, लेकिन सूर्यास्त से पहले उसको उड़ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सूर्यास्त माने जीवन का, समझ गए उसको, तो सूर्यास्त से पहले कमल को छोड़ दें तो ठीक है, नहीं तो कमल का फूल बंद हो जाएगा और फिर हम भी उसके भीतर फंसे रह जाएंगे मोह फास में। एक कमल पर भंवरा बैठा हुआ था, रस ले रहा था और सोचता था बस मैं इसमें फंसा थोड़ी हूं, मैं तो अभी उड़ जाऊंगा, बस एक सेकंड लगेगा उड़ने में, बस अभी उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, थोड़ा सा रस और ले लूं फिर क्या बिगड़ेगा, उड़ जाऊंगा, अभी सूर्यास्त होने में बहुत देरी है। ऐसा कहते कहते सूर्यास्त भी हो गई और वो उड़ नहीं पाया। अब कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो गया, भीतर भंवरा कैद होकर रह गया। अब भंवरे में सामर्थ्य तो बहुत होता है, चाहे तो वो उसे छेद करके भी निकल सकता है, लेकिन जिस पर मोह है उसका स्वरूप कैसे बिगाड़ें, उसके रूप को कैसे नष्ट करें। तो कहते हैं चलो रात भर की तो बात है, सवेरे भगवान सूर्य का उदय होगा और मैं उड़ जाऊंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री। भर्तृहरि महाराज जी ने लिखा इस दृश्य को देखकर कि कमल के फूल पर बंदी वह भावरा सोच रहा है रात्रिर्गमिष्यति, ये रात्रि तो बीत जाएगी, हमेशा के लिए थोड़ी है, 12 घंटे के लिए है बस, तो रात्रि बीत जाएगी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, सुप्रभात आएगा। अब उसके लिए तो मोक्ष लेके आएगा ना, तो शुभ प्रभात कह रहा है कि बस भविष्यति सुप्रभातम्। अब भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य का फिर से उदय होगा, तो हसेष्यति पंकजश्री, तो एक कमल तो खिलेगा ही, बस सवेरे होते ही उड़ जाऊंगा। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, ऐसा सोच रहा है वो भंवरा कमल के फूल में बैठा बंदी बने बने, लेकिन रात्रि में हाथियों का समूह आया। हा हंत हंत, अब हाथियों का समूह आया और कमल के फूल को नाल सहित तोड़ तोड़ करके अब वो सीधा खाने लगे और कुछ को कुचल दिया पांव से, वो भंवरा मारा गया। तो समय रहते वो उड़ जाता तो आज मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो काल रूपी हाथी जब आकर हमारे इस शरीर रूपी कमल को उजाड़े, उससे पहले ही इसका जो भंवरा है
वो कम से कम कमल से मुक्त हो जाए, या परिवार रूपी जो कमल है उससे ये मोह का जो बंधन है उसमें बंधने से पहले उड़ जाए तो ठीक। वयसि गते कह काम विकार। एक ब्राह्मण देवता थे, काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, मंदिर की पूजा कर लेते थे किसी तरह से। अब मंदिर के चढ़ावे पर ही, अब एक व्यक्ति तो थे अकेले, उनका पेट भर जाता था। अब 85 वर्ष के हो गए, विवाह नहीं किया था, कुंवारे थे बेचारे। अब 85 वर्ष की आयु हो गई, अवस्था हो गई। अब एक पति पत्नी का जोड़ा आया मंदिर में, बढ़िया गठबंधन करके पूजा कर रहे थे। उनको देख के इनके मन में विचार आ गया कि मैंने भी विवाह किया होता तो आज गठबंधन करके बढ़िया पूजा करते, देखो अभी तक मैं अकेले पूजा करता हूँ रोज। अब फिर गृहस्थ जीवन में पूजा के लिए बहुत सुविधा है, उस दृष्टि से वो सोच रहा है, यदि पत्नी भोजन बना दे, घर की साफ सफाई कर दे, कपड़े धो दे, और भी जो कार्य है उनको कर दे, तो अधिक से अधिक समय, अब मेरा तो पूरा समय बच जाएगा, तो मैं भजन करूंगा भगवान का। इसलिए भगवान ने गृहस्थ आश्रम को बनाया है, और बेकार ही मैं इसको व्यर्थ समझ करके अभी तक इसमें प्रवेश नहीं किया। अब विवाह का विचार इनके मन में अब आ गया, तो सोचते हैं चलो जब जागो तब सवेरा, भगवान ने चाहा तो अभी भी 15 से 25 वर्ष और जीऊंगा, तो इतना गृहस्थ जीवन भी काफी है, तो विवाह कर लेता हूँ। अब 85 वर्ष की अवस्था में विवाह करने के लिए इधर उधर अब खोजते हैं, कन्या खोजते हैं, तो जहाँ जाते थे तो लोग पूछते थे महाराज कैसे आना हुआ, कैसे दर्शन दिया, बोलते विवाह के लिए आया हूँ, तो बोले नाती के विवाह के लिए आए हो कि बेटे के विवाह के लिए, तो लोग वो नाराज होकर कहते अभी तो मेरी खुद की विवाह नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, और उसके बाद तुम कहते हो नाती पोते की बात, बाद में बेटों का विवाह करूंगा, नाती का विवाह करूंगा, जैसे अमर होके आए हैं अमृत के। अब कई लोग तो डांट के भगा देते थे, कुछ लोगों ने समझाया महाराज अब मरने वाले हो, भगवान का भजन करो वो काम आएगा, अब बेकार क्यों विवाह करना चाहते हो, माया मोह में क्यों पढ़ना चाहते हो, लेकिन बड़े जिद्दी थे, नहीं बोले विवाह करके रहूंगा। एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे, वो ब्राह्मण जरा सज्जन था, उसने पहले तो समझाया, अब ब्राह्मण देवता नहीं माने ना, तो टालने के लिए क्या कहा उन्होंने, साफ साफ नहीं नहीं कहा, महाराज आप दिखने में भी सुंदर हैं और भगवान की कृपा से आप अभी तक मजबूत हैं, चल फिर तो लेते ही हैं, तो पर एक कमी है आप में, बोले कन्या ने आपको पसंद तो कर लिया है, आपके पास रहने के लिए मकान भी है, कमाई भी पर्याप्त हो जाती है, आमदनी भी ठीक है, एक कमी है आप में, बोले क्या कमी है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कन्या का विचार है कि यदि वर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो मैं विवाह कर लेती, तो ब्राह्मण क्या सोचता है, अरे जहाँ 85 साल हो गया वहाँ 88 सही, 3 साल में शास्त्री होके आ जाऊँगा, प्रथमा मध्यमा सब करके, तो उसके बाद विवाह कर लूंगा, तो वो जाके सचमुच में विद्यालय में भर्ती हो गए, अब वहाँ संस्कृत पढ़ने लगे, अब उनको कारक रचना काल रचना याद करने के लिए दी जाती थी, तो डुकरी या धातु की रचना उनको याद करके आना था। अब ये 3 बजे उठ जाते थे सर्दी में भी, अब गंगा जी के तट में काशी में रेत में चलते चलते वो सब धातु रूप याद किया करते थे डुकरी धातु। अब आदि शंकराचार्य जी ने उनको 3-4 दिन से लगातार देखा, बोले ये महात्मा देखो इतनी सर्दी में भी आते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं, रेत में चलते चलते भजन करते हैं, अच्छे पक्के महात्मा हैं। तो एक दिन रोक के पूछा, अरे महात्मा जी बाबा जी कमरे में ही भजन कर लिया करो, इतनी सर्दी में क्यों आते हो इधर, एक आध दिन अकड़ जाओगे, हाथ पैर कुछ हो जाए, शरीर का कुछ भी हो जाए, तो इस अवस्था में भी आपको इतनी सर्दी में नहीं निकलना चाहिए। तो वो नाराज हो गए आदि शंकराचार्य जी के ऊपर, इस अवस्था में से क्या मतलब है तुम्हारा, अरे मैं अभी स्वस्थ हूँ, अभी विवाह करने वाला हूँ, अब मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, भजन तो तब करूंगा जब मेरे पुत्र आदि सब बड़े हो जाएंगे आराम से, तब रिटायर होने के बाद, अभी तो मुझे विवाह करना है। तो उसी को उपदेश देते हुए आदि शंकराचार्य जी ने ये स्तोत्र लिखा था, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोकृं करणे। अब यम के दूतों के आने का समय हो गया है पंडित जी, और जब यम के दूत लेने के लिए आएंगे तो ये डोकरी धातु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी यम दूतों से, उस समय तो गोविंद जी का नाम ही तुम्हारे काम आएगा, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उनको अब समझाते हुए कहा, उनको उपदेश दिया
अंगम गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहे त्वादण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्। अंग अब गलने लग गया है, बाल सफेद हो चुके हैं, मुंह में दांत नहीं है, डंडा लेके किसी तरह चलते हो, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और तदपि न मुंचत आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपे पिंड से अभी तक छुटकारा नहीं मिला, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर कहा कि बालस्तावत क्रीड़ा सक्त तरुणस्तावत तरुणी रक्त वृद्धस्तावत चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। बाल्यावस्था तो खेलकूद में प्रायः बीत जाता है, युवावस्था स्त्री पुत्र आदि के भरण पोषण में, परिवार की जिम्मेदारियों में, और वृद्धावस्था में सोचते हैं लोग कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, तो वृद्धावस्था में फिर चिंताएं आके घेर लेती हैं, तो फिर भजन नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, इसको कल के लिए टालना नहीं चाहिए। अब 60 के बाद भजन करेंगे सोच रखा है, अब 55 में मर गए तो फिर 45 में मर गए तो कोई ठिकाना है शरीर का, तो फिर भगवान को क्या कहेंगे, आप जल्दी ले आए, गलती आपकी है, हम तो भजन करने ही वाले थे, तो फिर वो सुनने वाले नहीं है ना। तो यम के दूत दिखेंगे अंतिम समय में कि भगवान विष्णु के पार्षद, ये तो हमारे भजन पर निर्भर करता है, इसलिए भजन कीजिए जिस अवस्था में है उसी अवस्था से, कल के लिए नहीं, आज से ही प्रारंभ होना चाहिए। तो भागवत जी में गोपियों की चर्चा हो रही है, गोपियां तत्सुखे सुखित्वम इसका ही पालन करती हैं, बस भगवान का ही सुख चाहिए उन्हें, अपना कोई सुख नहीं चाहिए। रासलीला का श्रवण हम सब ने किया, युगल गीत के एक दो श्लोकों का श्रवण भी अभी हमने किया। एक बार नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया, अब एकादशी व्रत तो करते ही थे लेकिन इस बार कोई विशेष बात है इसलिए एक बार कहा। कई बार जब उपवास करते हैं ना, फलाहार व्यवस्था बिगड़ जाए तो रात्रि में नींद ठीक से नहीं आती, अब भोजन तो नहीं करना ठीक है लेकिन फलाहार भी ना हो जिस दिन, कभी कभी व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं हो पाती, ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती। तो नंद बाबा जी भी शयन तो कर रहे थे, उनको लगता था कि अब सुबह होने वाली है, अब सुबह होने वाली है, बार बार करवट बदलते थे, अब मध्य रात्रि में ही उनको लगा कि अब तो सवेरा होने ही वाला है तो चलो नहा के आ जाऊँ, ठीक से नींद नहीं आई, अब इनको अंदाजा नहीं हुआ समय का, और ये नहाने चले गए नदी किनारे, अपना यमुना जी किनारे अपना रख दिया सब वस्त्र आदि, और प्रवेश करते हैं जल में, तो मध्य रात्रि में वरुण देवता के अनुचर विचरण किया करते हैं जल स्रोतों में, इसलिए स्नान का निषेध है। अब उनको ले गए वरुण लोक, अब उसमें वरुण देवता जी का स्वार्थ ये था कि इनको लेने के लिए कम से कम भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके चरण भी मेरे धाम में पड़ जाएं, इस लोभ से ले गए थे, वैसे कोई बात नहीं थी। अब सवेरे नदी के किनारे घाट पर उनके वस्त्र देखे बाबा जी के, लेकिन उनको नहीं देखा, तो पहले तो सोचे दिशा मैदान के लिए गए होंगे, फिर नहीं आए, बहुत देर हो गया, कपड़ा यहीं रखा हुआ है, कहीं डूब तो नहीं गए, तो लोगों ने खोजा ढूंढ लिया नहीं मिला। तब एक ग्वाला कहता है, वो कन्हैया है ना कृष्ण जी, देखो उनको जल में बहुत देर तक भीतर रहने का अभ्यास है, काले नाग के समय न जाने कितने देर तक जल के भीतर रहे हैं, उनको ही भेजो ना, वो गहराई से खोज के निकालेंगे अपने बाबा को। तो भगवान का एक स्वभाव है, जब तक कोई उनसे अनुरोध न करे ना तब तक वो चुपचाप देखते रहते हैं, कोई प्रार्थना करे तब जाके वो सहायता करते हैं। तब कृष्ण जी गए, क्योंकि जीव को जब तक अपने बल पे भरोसा है ना भगवान को पुकारता नहीं, जब अपना अहंकार जवाब दे दे टूट जाए तब वो भगवान के शरण में जाता है। तो ग्वालों ने पहले खोज लिया, उनको भरोसा था कि हम निकाल लेंगे बाबा को, नहीं निकाल पाए, तब भगवान के शरण में गए, तब भगवान वरुण लोक गए, वरुण देवता ने उनकी पूजा आरती की, कहा प्रभु इसे मेरा अपराध मत मानना, मैं तो आपके दर्शन के लोभ से ये काम किया हूँ, आपके बाबा जी सम्मान पूर्वक हैं और इनको ले जाइए। अब नंद बाबा सोचते थे कि ये तो एक यादव मेरा पुत्र है, लेकिन एक मनुष्य के पुत्र को कोई देवता इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों कर रहा है, तो हो ना हो ये कोई बड़ा देवता ही है जो मेरा पुत्र बन के आया है, गर्गाचार्य जी ने कुछ संदेश उसमें संकेत तो किया था, हो ना हो ये कोई विलक्षण बालक है, परंतु ये भगवान है ऐसा विचार उस समय नहीं आया, वात्सल्य भाव की अधिकता के कारण।
अब दोनों बाहर आ गए। कुछ दिनों बाद में अंबिका वन में, जो पूरा ब्रज क्षेत्र है इसमें 12 वन, 12 उपवन और 12 प्रतिवन ऐसा वर्णन मिलता है, 36 वन छोटे बड़े वनों का ये समूह है पूरा क्षेत्र। तो अंबिका वन में महाशिवरात्रि को जो मेला लगता था उसमें सब गए थे देखने। नंद बाबा जी को वहाँ एक अजगर ने पकड़ लिया, अजगर को पकड़ा तो फिर ब्रजवासियों ने अपने तरफ से प्रयास किया छुड़ाने का, और जलती हुई लकड़ियों से उसको पीटा भी गया था, फिर भी उसने पकड़ ढीली नहीं की। अब भगवान कृष्ण कुछ दूर खड़े चुपचाप देख रहे हैं ना, तब किसी ग्वाले को याद आया, स्मरण हुआ, अरे जिसने काली नाग पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए अजगर कौन सी बड़ी बात है, अब वो चुपचाप खड़ा खड़ा देख क्यों रहा है, सहायता क्यों नहीं करता। कहा अरे तुम्हारे बाबा को सांप ने पकड़ लिया है और तुम सहायता नहीं करते। बोले तुम लोग तो कर रहे हो ना पहले, जब तुम लोग थक हार जाओगे तब मैं आऊंगा। तो भगवान का विचित्र स्वभाव है, वो क्यों नहीं आते देखिए। एक बार एक महात्मा जी एक घाट में नहाने के लिए उतर रहे थे, तो धोबी ने कपड़ा पूरा फैला दिया था सुखाने के लिए, पांव रखने की जगह नहीं थी, हमारे गुरु जी का दृष्टांत है। अब पूरा धोती या चादर जो भी फैला दिया था उसने, अब महात्मा जी बेचारे खड़ाऊ पहने पहने घाट में उतरने के लिए जगह बनाते बनाते उतर रहे थे घाट में, अब फिर भी उनका एक पांव बैलेंस बिगड़ने से फिर एक धोती पर रख ही गया। अब वो धोबी घूर के देख रहा था महात्मा जी कैसे उतरते हैं, जैसे ही पांव पड़ा कपड़े पर तो वो एकदम नाराज हो गया, महात्मा जी को भला बुरा कहने लग गया, बहुत गाली गलौज करने लगा, भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। महात्मा जी चुपचाप खड़े थे, तो लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ, उन्होंने भगवान नारायण से कहा प्रभु आप उस धोबी को दंड क्यों नहीं देते, गलती उसकी है सरासर, अब फिर भी महात्मा को भला बुरा कह रहा है। भगवान ने कहा कुछ धीरज रखो, जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं जाऊंगा। अब कुछ देर बाद महात्मा जी भी नाराज हो गए, वो भी अपना आप चिंता निकाल के जैसा धोबी गाली देता था उसी स्वर में वो भी भिड़ गए। तो भगवान ने कहा देखो अब दोनों धोबी हो गए, अब मैं क्यों जाऊं, बराबर हो का मामला है, बराबरी का, दोनों को लड़ने दो निपटने दो। महात्मा जी चुप रहते तो मैं जरूर जाता किसी न किसी रूप में और उस धोबी को दंड देता, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए अवसर मिले तब ना, जब जीव स्वयं ही सब कुछ कर लेता है समर्थ है तो भैया निपट ले। इसलिए भगवान कुछ देर तक दर्शक बने रहते हैं, उनकी शरण में जाकर कहें प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बस जो करें आप ही करें, इसका मतलब अकर्मण्य भी नहीं होना है, जो कुछ भी हमसे भी हो रहा है तो प्रभु आपकी कृपा ही है जिससे ये कुछ हुआ, इस भाव से हमें कर्म भी करते रहना है, पलायन नहीं कर जाना है, जो करना है भगवान करेंगे हम क्यों करें, ऐसा भी नहीं। तो इस प्रकार ये भगवान की लीला है। फिर उन्होंने अब पास में आए, अजगर को अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श बस किया, जिसको लकड़ी से पीट कर, जलती लकड़ी से पीट कर भी उसको छुड़ा नहीं सके थे, भगवान ने अपने चरण का स्पर्श बस किया, वो विद्याधर में परिवर्तित हो गया, भगवान को प्रणाम करके साप मुक्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस प्रकार भगवान ब्रज में बहुत सी लीला करते हैं। एक बार गोपियां रात्रि में भोजन के पश्चात ऐसे ब्रज में टहल रही थी, तो शंखचूड़ नाम के एक असुर ने उनका हरण करना चाहा, भगवान ने उस बचाया उस सभी गोपियों को। अब इधर देवता लोग विचार करने लगे कि भगवान तो माखन चोरी में और रासलीला में ही मगन है, उनके अवतार के और भी बहुत से उद्देश्य हैं, लगता है कि वो भूल गए हैं। अरे असली माता पिता वहाँ मथुरा में है, उनको भी उनकी तो सुधि लेना चाहिए इनको, और कंस को भी मारना है और भी अनेक असुरों का उद्धार करना है, तो एक ही उद्देश्य को ही भगवान अभी तक निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, बाकी तो और भी उनके अवतार का जो कारण है हेतु है उधर उनका ध्यान नहीं जा रहा, तो भगवान को कौन समझाए जा करके प्रभु अब तो ब्रज को छोड़ दीजिए और अपने मैंने रासलीला को अब छोड़ दीजिए। देवताओं को लगता था कि भगवान केवल रासलीला में मगन हैं और उनके जो अन्य उद्देश्य हैं अवतार के उसको भूल गए हैं। अरे जीव भले ही अपने कर्तव्य को भूल जाए, ब्रह्म कभी नहीं भूलते। अब कौन जाए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, एक बार जाके परीक्षा लेके फंस गया, भगवान ने मुझको एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, बहुत नाराज है। देवराज इंद्र ने कहा मुझ में भी साहस नहीं है, मैंने वर्षा करा के गोवर्धन जी की पूजा के समय कल मतलब भगवान से भगवान को मैंने नाराज कर दिया है, अब मुझ में साहस नहीं है कि मैं उनको जाके कहूँ प्रभु आप अब ब्रज को छोड़कर मथुरा जाइए। अब इसके बाद अब कौन है भाई जो ये काम कर सके, तो नारद जी मिले, सबसे सस्ते वही मिलते हैं देवताओं को, बेचारे को किसी भी काम के लिए भेज देते हैं।
अब बताओ छोटे छोटे बालकों की हत्या के लिए किसी को प्रेरित करना ये अच्छा काम है, लेकिन देवताओं ने नारद जी को भेज दिया, धकेल दिया, जाओ कंस को भड़का दो, वो देवकी के 6 पुत्रों को 7 पुत्रों को मारे, तब भगवान जाएंगे। अब किसी तरह से आके नारद जी ने उनको बेचारे को संकेत करना पड़ गया, अष्टदल कमल दिखा के या रेखा खींच के, पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी पहला हो सकता है। तब कंस ने बच्चों को मार दिया ना। आज अब नारद जी से फिर कहा गया, प्रभु अब आप ही काम बनाइए, हे देवर्षि आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। नारद जी ने कहा मैं गोकुल या ब्रज तो नहीं जाऊंगा, हाँ लेकिन आपका काम बना दूंगा, आपको काम होने से मतलब है ना, भगवान अब मथुरा आ जाए ये चाहते हो तो ये व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तो कंस के पास पहुंच गए। नारद जी बड़े निर्भीक महात्मा हैं, कहीं भी पहुंच जाते थे, चाहे रावण का दरबार हो, कंस का दरबार हो, चाहे हिरण्यकश्यप का दरबार हो, कभी नहीं डरते थे। तो कंस के पास पहुंचे, अब कंस उनका सम्मान तो करता था क्योंकि देवकी के पुत्रों के बारे में संकेत तो इन्होंने किया था ना, तो इनको लगता था ये महात्मा बड़े पक्षपात रहित हैं और हम असुरों की भी, हम दैत्यों की भी या हम सबकी भी सहायता करते हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया। अब पूछा कंस ने, महाराज हे देवर्षि कहाँ से आपका आगमन हो रहा है, क्या समाचार है बताओ। तो नारद जी ने कहा रे महात्माओं का क्या समाचार, तुम अपनी बात कहो, तुम्हारा राज्य सब सुरक्षित तो है, किसी शत्रु का तुम्हें भय तो नहीं। कंस ने कहा महाराज अब क्या बताऊं, एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, लेकिन देवकी ने तो 8वें क्रम में कन्या को जन्म दिया और उस देवी को मैंने मारना चाहा तो उसने कहा कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो इसका क्या रहस्य है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा अभी तक नहीं पहचाने, बोले ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन संदेह है कि नंद बाबा का जो बेटा है कृष्ण, हो न हो वही देवकी का 8वां पुत्र है ऐसा मुझे लगता है, और मैंने उसे मरवाने का प्रयास भी किया, अघासुर बकासुर आदि को भेजा लेकिन कोई लौट के आया नहीं, वहाँ से मारने में तो सफल हुए नहीं, खुद मारे गए, तो अब आप कहिए। तो नारद जी ने कहा अरे संदेह है उसको दूर कर लो, वो ही कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, नारद जी ने बतला दिया। अब देवताओं के कल्याण के लिए नारद जी को ऐसा करना पड़ता है, कोई चुगली करने की उनकी आदत नहीं है और उनकी चुगली से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, नारद जी की चुगली में जगत का कल्याण ही उद्देश्य होता है, छिपा होता है, भले ही हम लोग उसको किसी भी अर्थ में ले लें। तो अब कंस ने कहा तो महात्मा जी कृपा करके इतना और बतला दीजिए कि मैं उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो नारद जी ने अब भड़काया उसको, कहा देखो ब्रज में जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है ना वो उनकी रक्षा करती हैं, इसलिए तुम जितने भी दैत्यों को भेजते हो, असुरों को भेजते हो, वो सब मारे जाते हैं, अपने अपने घर में सब बलवान होता है, तो तुम्हारे यहाँ कुल देवता जो महादेव जी है ना वो तुम्हारी सहायता करते हैं, तो ऐसे तुम अपने मथुरा में तुम बलवान हो, तो ऐसा करो कृष्ण जी को किसी बहाने से मथुरा बुलवा लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बाकी तो तुम्हारे पास और भी बहुत से योद्धा भी हैं, अब ज़्यादा मुझसे मत बुलवाओ। नारद जी ने कहा संकेत तो कर दिया, कहा ठीक है, तो हे देवर्षि इतना और बता दीजिए कि किस बहाने से बुलवाऊँ। बोले सब कुछ मुझसे ही पूछोगे, अरे जब स्पष्ट हो गया कि अब वो तुम्हारा भांजा है और यज्ञ करवाओ, और यज्ञ में फिर तर्पण करते हैं ना तो भांजे की आवश्यकता होती है ना, तो बिल्कुल रथ भेज दो और भांजों को बुलवा लो, फिर दोनों भांजों को तर्पण करेंगे, फिर तर्पण तो करने ही आएंगे ना, तर्पण ही तो करेंगे आके अब, तो उनको अब इसी बहाने बुलवा लो। का ठीक है आपने अच्छा संकेत किया प्रभु। और इसके बाद अब नारद जी चले गए, अब इधर कंस अब तैयारी करने लगा, धनुष यज्ञ की तैयारी करता है, उसको दर्शनार्थ बाहर रखा गया, निमंत्रण पत्र सब छपवाया गया। इस बीच में उसने केसी और अरिष्टासुर को और भेजा ब्रजमंडल में, केसी घोड़े के रूप में, अरिष्टासुर बैल के रूप में आया और अपने खुरों के आघात से दोनों ब्रजमंडल को कपाने लगे। तब भगवान आगे बढ़े, अरिष्टासुर के सींग पकड़कर 28 पांव उसको पीछे धकेल दिया था, इसके बाद उनका उद्धार किया। केसी के मुंह में भगवान ने अपना हाथ पूरा कोहनी तक घुसा दिया था और इसके बाद भीतर ले जाकर हाथ को फुला दिया जिससे उसका दम घुट गया और मलमूत्र त्यागते हुए वो केसी भी उद्धार को प्राप्त होता है, सदगति को प्राप्त होता है, उसका भी उद्धार होता है। अब भगवान को लाने के लिए किसको भेजा जाए, निमंत्रण पत्र लेके कौन जाए, तो मथुरा में बहुत से यादव थे,
तो उनमें कुछ वसुदेव जी के पक्ष में थे और कुछ कंस के पक्ष में थे, जो भयभीत थे या फिर किसी कारण से कुछ कंस के पक्ष में भी थे। अब अक्रूर जी तटस्थ रहने वाले थे, वैसे तो वसुदेव जी के ही पक्ष के थे, तो अक्रूर जी को जाके कंस ने प्रलोभन भी दिया और धमकाया भी। इस बीच में वसुदेव देवी को फिर से बंदी बना लिया उसने, कारागृह में डाल दिया कि आप लोगों ने धोखा दिया मुझे, आठवें पुत्र को लाके मुझे नहीं दिया वचन देने के बाद भी, इसलिए उनको बंदी बना लिया गया। अब अक्रूर जी को जाके कंस कहता है कि देखिए अक्रूर जी, इस समय भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली राजा है जरासंध, मगध का राजा, और वो मेरा ससुर है। शिशुपाल, दंत्रवक्त्र, रुक्मी आदि बड़े बड़े प्रतापी और भी राजा हैं, वो सब मेरे मित्र हैं। अभी भी मेरे पास सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं हम स्वयं ही आठ भाई बहुत बलवान हैं और दुर्योधन भी समय आने पर मेरी सहायता करेगा। तो इस पूरे भारतवर्ष में आज मुझे चुनौती देने वाला कोई मुझे दिखता नहीं है। अब एक शत्रु है जिसको यदि मैं पराजित कर दूं तो फिर पूरे भारतवर्ष का मैं चक्रवर्ती राजा हो सकता हूं, सम्राट हो सकता हूं। तो वो है, वो शत्रु है कृष्ण, तो उसको मारने में तुम मेरी सहायता कर दो तो तुमको भी किसी एक छोटे मोटे देश का राजा बना देंगे, और नहीं तो वसुदेव जी जैसे जेल जाने के लिए भी तैयार रहो। धमकी भी, प्रलोभन भी, चाहे प्रेम से जाओ चाहे भय से जाओ, कुछ भी हो, क्योंकि एकमात्र तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जिस पर नंद बाबा भरोसा करके बालकों को भेज सकते हैं, और किसी को भेजूंगा तो वो भेजेंगे नहीं। तो तुमको ये काम बनाना है, अब कैसे बनाओगे, छल से बनाओगे कि और क्या करोगे तुम जानो। ये निमंत्रण कार्ड है, पत्र है, और ये रथ है, राजा के दूत बन के जाओ, बढ़िया दोनों कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी ने सोचा अब इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के दर्शन करूं। यदि वो सचमुच में भगवान हुए तब तो वो आकर कृष्ण कंस को मारेंगे, लेकिन यदि साधारण बालक हुए तो मुझे कलंक लग जाएगा। ये कुछ संदेह था अक्रूर जी के मन में, अभी पूर्ण विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। तो एक बार नारद जी ने इनको बतलाया था कि जिनके चरण चिन्हों में जौ, ध्वजा, अंकुश, स्वस्तिक आदि के चिन्ह हो तो वही भगवान है। कभी भगवान मिले तो कैसे पहचानेंगे, तो उनके चरण चिन्हों को देखना। तो अक्रूर जी को ऐसा कुछ अज्ञात हुआ था नारद जी के द्वारा, तो कहा ठीक है मैं देखता हूँ। रथ में सवार हुए अक्रूर जी, अब सवेरे सवेरे निकले हैं। अक्रूरोपे चताम रात्रिम मधुपुर्याम महामते उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। उषा काल में ही निकले हैं मथुरा से और रथ में निकले, तो रथ में निकले हैं तो एक घंटा दो घंटा लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तुरंत पहुंच जाना चाहिए था इनको 7-8 बजे, लेकिन उषा काल में निकले हैं और पहुंचे हैं सूर्यास्त के समय। 12 घंटा लग गया उनको मथुरा से वहां वृंदावन पहुंचते, ब्रज में पहुंचते, तो इतना समय क्यों लगा। जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी तय की, जब ब्रज क्षेत्र में पहुंचे तो रथ से नीचे उतर गए, और रथ से नीचे उतर करके अब उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह ढूंढने शुरू कर दिए। तो गोचारण करते समय और अन्य लीला करते समय भगवान के चरण चिन्ह तो ब्रज में स्थान स्थान पर अंकित हुआ था, भगवान के चरण चिन्हों से इस ब्रज की शोभा और बढ़ गई थी। अब अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए, रथ को कहा कि सारथी से कहा कि तुम पीछे पीछे रथ को लाना क्योंकि चरण चिन्ह मिट न जाए, मैं आगे पैदल चलता हूँ। और जब चरण चिन्ह दिखाई दिए भगवान के तो अक्रूर जी भाव से भर उठते हैं। एक तो ब्रज की राजा, ऊपर से भगवान के चरण चिन्ह वहाँ बैठ गए अक्रूर जी। उनके भाग्य को देखिए कि वहाँ की धूल थोड़ी सी उठा करके अपने माथे से लगा लिया, तो थोड़ा बहुत जो अशुभ संस्कार शेष था वह भी अब निर्मल हो गया, दूर हो गया। अब अक्रूर जी निष्पाप हो चुके हैं, निर्मल हृदय को प्राप्त कर चुके हैं। अब मन तो उनका भरा नहीं, थोड़ा सा रज लगाया तो संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर अपनी मुट्ठी भर भर के उसकी धूल को अपने माथे से लगा लिया। अब कोई राजा का दूत हो और किसी दूसरे राजा के यहाँ जा रहा हो, अच्छा राजा की बात छोड़िए, साधारण आपके हमारे घर कोई मेहमान आ रहा हो, अब पूरी तरह धूल से सन के आए तो अड़ोसी पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, इसके घर में कैसे कैसे मेहमान आते हैं जी, देखो न जाने अब क्या करके आया है ये, लोग संदेह तो करेंगे ना उसके ऊपर।
कोई बीमार होके भी गिर जाए, कपड़े सन जाए, तो लोग तो सीधा दूसरा संदेह करते हैं ना, ये तो गिरते पड़ते आया है धूत हो करके। अब अक्रूर जी राजा के दूत हैं, राजा के यहाँ जा रहे हैं, अपने कपड़ों की चिंता उन्हें रही नहीं। अब शरीर की शुद्धि नहीं रही तो कपड़े की चिंता कौन करे, शुद्धि कौन ले। अब कहा यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह, यहाँ पे जगह जगह भगवान के चरण चिन्ह, तो एक चरण चिन्ह से धूल उठाकर माथे में चढ़ाया, सिर में चढ़ाया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। बोले इस तरह मैं कितने चरण चिन्हों को उठाऊंगा, उससे अच्छा कि मैं लौटते लौटते चलूं। तो लौटते लौटते अक्रूर जी अब आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको सुबह से शाम हो जाती है, शाम हो जाती है तब ये वहां पर नंद महल के पास पहुंचे हैं। तो इस तरह ब्रज की रज को अपने रोम रोम से लगाते हुए अक्रूर जी आगे बढ़ते हैं। अब सायंकाल जब वहां पहुंचे गोकुल में, रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिं नृप इति संचिंतयन कृष्णम स्वफल्क तनयोध्वनि। स्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी इस प्रकार से भगवान के चरण रज को अपने रोम रोम में धारण करते हुए जब आगे बढ़े, तो रथेन गोकुलम प्राप्त, जब तक ये गोकुल पहुंचे तब तक सूर्यश्चास्त गिरिं नृप, सूर्य अस्त होने वाले थे। उस समय ब्रज के सौंदर्य का दर्शन अक्रूर जी ने किया है। हरियाद जी ने ब्रज की संध्या पंक्ति लिखी है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब यहाँ अक्रूर जी क्या देखते हैं कि पश्चिम दिशा जो है उसमें भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं, तो लाल लाल दिख रहे हैं ना, तो दीपक की भांति दिख रहे हैं। पश्चिम का आकाश एक बहुत बड़ी थाली है, अब उसमें दीपक जल रहा है, भगवान विराट की आरती हो रही, विराट पुरुष की आरती हो रही है, आरती हो रही है, ऐसा भाव अक्रूर जी के मन में आया कि थाली है पश्चिम दिशा का आकाश, उसमें सूर्य अस्त होते हुए सूर्य और दीपक के समान है, अब आरती में कोई घंटी बजाने वाला भी तो हो। तो लाखों गायें जो गोवर्धन जी से नीचे उतर रही थी चर करके, उनके गले में बंधी हुई घंटियों से जो मधुर स्वर उत्पन्न हो रहा था, तो लगता है कोई मेरी घंटी भी बज रही है, दीपक भी है, थाल भी है, अब कोई गाने वाला, वेद मंत्र उच्चार करने वाला कोई ब्राह्मण भी तो चाहिए। तो हजारों लाखों गाय जो बीच बीच में रंभाती थी ना, ऐसा लगता था कि हजारों ब्राह्मण एक साथ वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, और इस प्रकार भगवान की आरती हो रही है। इस दृश्य का दर्शन अक्रूर जी ने किया। गायों के खुरों के आघात से जो रजकण उड़ रहे थे, उनसे पश्चिम दिशा की लालिमा और भी गहरी हो गई थी, और उस दृश्य का दर्शन किया। एक तो ब्रज की धूल भगवान के चरण चिन्ह में ही लौट चुके हैं, और ऊपर से गाय के खुरों के आघात से जो रजकण उड़े, वह भी अक्रूर जी के अंगों में आकर के लगे, तो पूरी तरह निष्पाप होकर के अब अक्रूर जी आगे गए हैं। और निर्मल मन जिसका हो जाए तो फिर भगवान तुरंत प्राप्त होते हैं। अक्रूर जी को भी ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। उसी समय नंद महल के दरवाजे पर पहुंचे तो गाय दोहने के लिए नंद कृष्ण जी और बलराम जी दोनों निकल रहे थे, हाथों में दोहनी पात्र है, बछड़े बांधने की रस्सी है, नोई, उसे लेकर के दोनों अब गाय दोहने के लिए जा रहे थे। उसी समय अक्रूर जी ने दोनों को देखा। दोनों के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर व्यास जी करते हैं, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीत नीलांबर धरौ शरदंबुरुहे क्षणौ, किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ, सुमुखौ सुंदर वरौ बाल विरद विक्रमौ। पीत नीलांबर धरौ, कृष्ण जी सांवले हैं तो पीतांबर धारण करते हैं, और दाऊ जी गोरे हैं तो नीलांबर धारण करते हैं, इसीलिए पीत नीलांबर धरौ कहा द्विवचन में, पीत नीलांबर धरौ और किशोरौ श्यामल श्वेतौ, एक सांवले हैं एक सफेद हैं माने गोरे हैं, और दोनों किशोरावस्था में हैं।
दोनों को देखा बाल विरद विक्रमा, माने दो सिंह बालक निर्भीकता पूर्वक जो विचरण करते हैं, ऐसी निर्भीकता ऐसी स्वच्छंदता उनके मुख पर उन्होंने देखा। ध्वज वज्रांकुशम भोजिन्नितई रंग ब्रजम, ध्वज वज्र अंकुश जव आदि का चिन्ह उनके चरण चिन्हों में पड़ रहा था, उन सब का दर्शन अनुभव सब अक्रूर जी ने किया। अब ऐसा भाव आया भगवान को देख करके, एक तो ब्रज की धूल में लौटते आ रहे हैं, निर्मल हो चुके हैं, और अब जब भगवान को देखा, दोनों भाइयों को देखा, तो ऐसा भाव आया कि उनके मन में कि उमड़ दौड़ करके जाऊं भगवान को गले से लगा लूं, ये भाव आ गया अक्रूर जी के मन में। भगवत दर्शन आह्लाद बाष्पुर्या कुल क्षण पुलका चित्तांग औत्कंठ्या स्वाख्याने नाशकं रिप, पुलकित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया, कंठ रुद्ध सा होने लगा, ऐसा भाव आया कि दौड़ करके भगवान को गले से लगा लूं। तो अभी तो परिचय भी नहीं हुआ। अच्छा, हमारे आपके घर में दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए, अपरिचित हो, काल बेल उसने बजाया, हमने दरवाजा खोला, अपरिचित नहीं है, बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति है ना, तो अचानक उससे अरे बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ, आइए आइए करके गले नहीं मिलते हैं कोई, गले गले किन से मिलते हैं, जो प्रगाढ़ गले मिलना जो है वो प्रगाढ़ परिचय की अपेक्षा रखता है ना, चाहे दो भक्त मिले, दो संत मिले, या संसारी लोग मिलेंगे तो बहुत निकट का संबंधी हो तब, लेकिन यहाँ तो परिचय भी नहीं हुआ, लेकिन भगवान कहते हैं ये यथा मा प्रपद्यन्ते तां सैव भजाम्यहम्। जब अक्रूर जी के हृदय में भाव आया कि मैं भगवान से गले मिलूं, तो भगवान के भी हृदय में ये भाव आ गया, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है, भगवान ने अपनी बाहें फैला दी, अक्रूर जी दौड़ के जाते हैं, भगवान से गले मिलते हैं, दोनों भाव समुद्र में डूबते रहे उतरते रहे। अब बहुत देर तक गले मिलने के बाद और रो लेने के बाद पूछे भैया आप कौन है, मैं नहीं पहचान रहा, तो जमेगा तो गले तो मिल लिया, भगवान ने कहा ठीक है चलिए, अभिवादन भी हो गया, परस्पर भीतर ले गए नंद बाबा से, उनको भेंट करा दिया, नंद बाबा ने उनको उनका बहुत सम्मान किया, अक्रूर जी का स्वागत किया यथोचित सम्मान करके, अब बैठ गए सब दोनों, अब बैठक जो होता है कमरा होता है ना मेहमान खाना, वहाँ बैठ करके नंद बाबा और अक्रूर जी की बातचीत हो रही है, और मैया जो है मर्यादा के कारण बैठक में नहीं आ रही, लेकिन पर्दे की ओट से सुन तो रही है क्या क्या बातचीत हो रही है, तो माताओं की आदत होती है कोई अपरिचित आ जाए क्या बात हो रही है पता चले, लेकिन अब बैठक में सीधे नहीं जा सकते तो सुनते रहते हैं। अब अक्रूर जी बताने लगे कि वहाँ यज्ञ हो रहा है और राजा कंस ने मुझे निमंत्रण पत्र देकर भेजा है कि नंद बाबा को और उनके पुत्रों को लेकर के आना है, तो ये पत्र है भाई। मैया ने वहीं से कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे राजा का आदेश हो चाहे किसी का आदेश हो, मैं अपने लाल को यहाँ से भेजने वाली नहीं हूँ, राजा होगा अपने मथुरा का होगा, उसका वहाँ जोर चलता होगा, ये मेरा घर है और इस घर में अब तो मैं जो चाहूँगी वही होगा, मेरे लाल को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा कुछ धीरज रखो, मैं जब भीतर आऊँ तब दोनों बातचीत करेंगे, पहले इनकी बात तो सुन लेने दो। अब अक्रूर जी की बातचीत सब सुन ली, अब भीतर गए बाबा तो मैया तो अड़ गई कि मैं भेजूँगी ही नहीं अपने जिगर के टुकड़ों को। अब बाबा अक्रूर जी से चर्चा फिर करते हैं, इधर आकर अक्रूर जी ने कहा कि मुझे संदेह है कि कंस की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब उसके आदेश को मुझे पालन करना पड़ा, मानना पड़ा, तो ऐसा कीजिए नंद बाबा जी, आप अपने सेवकों को साथ लेकर चलिए, सैनिकों को भी साथ लेकर चलिए, तैयार रखिए, और वहाँ वसुदेव जी के और हमारे समर्थक और भी जो यादव अपने हैं उनकी सेना को भी हम तैयार रखेंगे, यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो हम लोग भी चाहे मर जाएंगे लेकिन इन बालकों की रक्षा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बाकी जैसी भगवान की मर्जी। तो इस प्रकार इनकी चर्चा होने लगी। अब सवेरे कृष्ण जी और बलराम जी दोनों अड़ गए मैया के पास जाके, बाल हट में उतर आए, कहा मैया आज तक हमने कोई शहर देखा नहीं, बड़ा शहर नहीं देखा, यहाँ तो वन में गाय चराते ही भटकते रहते हैं ग्वाले के वेश में, अब चलो एक बार शहर जाके देखें वहाँ क्या हालचाल है, हमको जाने दीजिए, फिर मामा जी ने रथ भेजा है बुलवाया है हम जरूर जाएंगे। अब मैया कहती बेटा तू जानता नहीं है वो मामा कैसा मामा है, और उसके बुलावे पर इस निमंत्रण पर तुम लोग इतने उतावले मत हो, वहां मत जाओ, कहा नहीं नहीं जाएंगे।
अब बच्चों ने बहुत जिद किया, बाबा ने बहुत समझाया, तो मैया ने कहा मुझे वचन दो कि अपने साथ ही ले जाओगे और अपने साथ ही लेकर आओगे, मैं दरवाजे पर बैठे राह देखती रहूंगी, तब तो मैं उन्हें भेज सकती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर खाली हाथ लौटे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। भाव तो ऐसा था यशोदा का, दरवाजे पर ही मैं बैठी रहूंगी। बहुत मुश्किल से यशोदा मैया से विदा लिया है भगवान कृष्ण ने। अब नंद बाबा तैयार हो गए अपने वाहन में, अपने सहयोगों के साथ ये निकल पड़े। अब कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी के रथ में छिप करके बैठते हैं। बोले गोपियों से छिप के जाना है ना, सामने खुले में बैठ के जाएंगे तो वो लोग रास्ता रोक लेंगे, तो छिप जाते हैं। अब अक्रूर जी से कहा आप राजा के दूत हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकता, आप सामने बैठिए और रथ को सरपट भगाइए, जल्दी से जल्दी मथुरा ले चलिए। अब अक्रूर जी इनके बात को समझ नहीं पाए बेचारे, भोले हैं। अक्रूर जी अब रथ को भगा रहे हैं तेजी से, अब पीछे पर्दा वर्दा गिरा के बिल्कुल रथ में छिप करके दोनों भाई बैठ करके अब चुपचाप जा रहे हैं। अब गोपियों को तो लेकिन पता चल ही गया कि हमारे श्याम सुंदर यहाँ से जा रहे हैं, तो गोपियां कहती कुछ नहीं है, मार्ग में चुपचाप लेट जाती है, पूरा रास्ता रोक लिया था। बोले श्याम सुंदर जा ही रहे हैं, उनके विरह में तो हम मर ही जाएंगे, उससे अच्छा है कि उनके रथ के पहिए में ही दब के मर जाएं, जब विरह में मरना है तो आज ही मर जाएं, अच्छा होगा कि उनका दर्शन हो जाएगा अंतिम समय। अब रथ को रोक दिया क्रूर जी ने, अब कैसे उनके ऊपर से ले जाते। कृष्ण जी ने कहा रथ क्यों रोक दिया आपने, अक्रूर जी ने कहा अरे देखो तो सही। कृष्ण जी ने देखा सभी गोपियां लेटी हुई, बोले मैं जाऊंगा तो फिर बहुत समय लगेगा मनाने में, मैं तो चोरी छिपे भागना चाह रहा हूँ इनसे। तो अक्रूर जी से कहा आप राजा के दूत हैं, जाइए अपने, अरे अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, उनको डांटिए जाके, राजा के रथ को रोक लेना माने राजद्रोह है, इनको पता नहीं है कि राजा का रथ है, जाइए आप। अक्रूर जी बेचारे नीचे उतरे। अब ये गोपियां लेटी हुई हैं मार्ग में, अब आपस में क्या कह रही हैं, अक्रूर जी की बात तो सुनती ही नहीं। अहो विधात स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांश्चाकृतार्थान वियुनंश्य पार्थकम् विक्रीडितं तैर्भगचेष्टितं यथा। हे विधाता, तुम्हारे भीतर जरा भी दया नहीं, तनिक भी दया नहीं है। तुमने हम प्राणियों को बनाया, अच्छा किया, फिर हमको आपस में मिलाया, ये भी अच्छा किया, ठीक है, लेकिन संयोग को बनाने के बाद वियोग को बना के तुम्हें क्या मिला, तो हमको क्यों अलग कर देते हो। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हुए इतने एक दूसरे के आदि हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना अब जीवन भी हमें संभव नहीं दिखता, ऐसे समय में एक झटके से तुम किसी एक को अलग कर देते हो, तो इस वियोग को बनाकर तुम्हें क्या मिला। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, तुम्हारे भीतर दया बिल्कुल भी नहीं है। अब अक्रूर जी कह रहे थे जाके उनके पास, गोपियां तो अपने आप बड़बड़ा रही, प्रलाप कर रही हैं, और अक्रूर जी ने कहा अरे तुम लोगों को पता नहीं ये राजा का रथ है, इसको रोकने का अर्थ जानती हो, मैं अक्रूर हूं, मुझे रास्ता दो, यहां से हट जाओ। तो एक सखी कहने लगी, सखी ये व्यक्ति अपने आप को अक्रूर कह रहा है, अपना नाम अक्रूर बता रहा है, लेकिन सखी मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा क्रूर संसार में कोई है ही नहीं, जो हमारे प्राण को हर के लेके जा रहा है वो कहता है कि मैं अक्रूर हूं। अक्रूर इसका दिया क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर हिदत्तम हर से बताग्यव ये नेक देशे खिल सर्ग सौष्ठव ये हमारे प्राण को हर के ले जा रहा है, सबसे बड़ा क्रूर है ये संसार का, और अपना नाम इसने अक्रूर रखा है। इसका नाम तो केवल क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं होना चाहिए। अब क्रूर अक्रूर जी की तो बोलती बंद हो गई, न राजा का भय काम आया, न और विनती काम आई, कुछ भी काम नहीं आया, तो लौट आए निराश होकर। अब कृष्ण जी से कहा अब आप ही संभालिए इनको, आप ही मार्ग को अब खाली करा सकते हैं।
तो कृष्ण जी अब नीचे उतरे, गोपियों के पास पहुंचे, तो गोपियां आपस में ही चर्चा कर रही ना, भगवान से कुछ नहीं कह रही। गोपियां कहती हैं, न नंद सुनु क्षण भंग सौहृद समीक्षते न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिम तदास्य मध्योपगता नवप्रियः। इस श्याम सुंदर को तो देखो, ये तो भावरे की तरह है, इसकी जब मर्जी होती है फूल पर बैठ जाता है, जब मर्जी होती है उड़ जाता है, इसको तो फूल की कोई चिंता ही नहीं। देखो आज इसका मन हम सबसे भर गया है, इसीलिए चोरी छिपे चुपचाप यहाँ से भाग रहा है। अब एक सखी ने कहा कि सखी ये तो नवप्रिय है, एक नया नाम दे दिया भगवान को गोपियों ने, इस जिसको रोज नए नए प्रेम करने की आदत हो उसको नवप्रिय कहते हैं, है ना। तो ये तो बड़े चटोरे हैं, नवप्रिय हैं, अब हमसे इनका मन भर गया है इसलिए चोरी छिपे यहां से भाग रहे हैं। कृष्ण जी को एक नाम दे दिया नवप्रिय। अब गोपियों का जो संदेह है, उनका दिया नाम है वो ऐसे ही नहीं है, उसका कुछ ठोस आधार है, भगवान वैसे ही लीला करते हैं ना। देखो मथुरा पहुंचते ही उनको कुब्जा मिल गई, इसलिए तो गोपियों ने कहा था ना कि ये नवप्रिय हैं। और द्वारिका गए तो वहां तो 16108, तो भगवान पर भरोसा कैसे करें ये गोपियां, इसीलिए कहा ये नवप्रिय हैं, इनको तो रोज नए नए लोगों से प्रेम करने की आदत है। भगवान ने कहा गोपियों से, अरे गोपियों तुम तो इस तरह से विलाप कर रही हो जैसे मैं सदा सदा के लिए तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। अरे मामा जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, 2-3 दिन की बात है, बस कपिला तर्पण आदि सब हो जाए और उसके बाद तो मैं लौट आऊंगा बस। गोपियों ने कहा ठीक ठीक सोच करके कहो श्याम सुंदर, कम से छल मत करना, झूठ मत कहना, सत्य भाषण मत करना, क्या सचमुच में तुम लौटने वाले हो? गोपियों को पता था कि आने वाले नहीं। कृष्ण जी निरुत्तर हो गए, चुप हो गए, लेकिन अब बात को संभालते हैं। कहा नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी आने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल प्रयास तो करूंगा ही बिल्कुल आने का, और किसी कारण से यदि देरी हो जाए ना तो किसी दूत को भेजूंगा बहुत जल्दी, लेकिन मैं आऊंगा जल्दी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन इतने निठुर हैं कि 100 वर्ष का विरह सहा दिया उन्होंने ब्रजवासियों को, राधा जी को, गोपियों को। गोलोक धाम में राधा जी को श्राप मिला था ना, राधा जी मानवती नायिका हैं श्री जी, वो नहीं चाहती कि भगवान और किसी गोपी के पास जाएं, वो मेरे ही पास रहें ऐसा वो चाहती, एकाधिकार चाहती हैं। और एक बार भगवान कृष्ण के चरणों में विरजा आदि सखियां सब बैठी थीं और राधा जी के आने की उनकी नुपुर ध्वनि सुनाई दी श्री जी की, तो विरजा इतनी भयभीत हुई, कहाँ छिपूँ सोचते सोचते तो भय के मारे वो पिघल गई, उसने नदी का रूप ले लिया। तो वहीं पर श्रीदामा नाम का गोप खड़ा था, उसने राधा जी से कहा कि भगवान तो सबके हैं, किसी एक के नहीं हो सकते, और आप उसे केवल अपना ही मानती हैं, अच्छी बात नहीं है, तो जिस कृष्ण से आप इतना प्रेम करती हैं, एकाधिकार चाहती हैं, जाइए उसी कृष्ण से आपको 100 साल का विरह सहना पड़े। जिनके लिए एक सांस का विरह भारी पड़ जाता था, आज उनको 100 साल का विरह सहने का श्राप दे दिया गया। भगवान ने सोचा गोलोक धाम में तो नित्य लीला होती है, इस गोलोक धाम में स्थित रहते हुए 100 साल का विरह सहाना तो बहुत कठिन होगा, लेकिन जब अवतार लेंगे उस समय ब्रज में मैं इनको विरह सहाऊंगा। तो इतना प्रेम करने के बाद भी भगवान ने अपने उस भक्त की, अपने गोप के उस साप को स्वीकार किया और उसको फलीभूत किया, साप को स्वीकार फलीभूत किया, और एक बार जो ब्रज को छोड़ के गए तो 100 वर्ष तक फिर नहीं आए, 100 साल का विरह उन्होंने सहाया है। अब यदि कोई कामी पुरुष होता तो मथुरा से ब्रज की दूरी कितनी, चाहते तो रोज आके मिल सकते थे, लेकिन ये तो योगेश्वर हैं, अब बड़े निर्मोही हैं, एक तरफ इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई उनसे अधिक प्रेम करने वाला भी नहीं, और जब छोड़ देते हैं ना तो उनसे बड़ा निठुर भी कोई नहीं, निर्मोही भी कोई नहीं। ब्रज में अपने प्रेम का इतना विस्तार किया, फिर छोड़ दिया, फिर मथुरा में प्रेम का प्रदर्शन किया, उसको भी छोड़ दिया, द्वारिका में इतना विस्तार किया अपने वैभव का, परिवार का, प्रेम का, और उसको भी मिटा दिया, तब निश्चिंत होके अपने धाम गए। ये
कृष्ण जी का स्वभाव है, किसी भी स्थान से व्यक्ति से वे बंधते नहीं है, कोई उनको बांध नहीं सकता। हाँ, प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार अब गोपियों को उन्होंने समझाया, वचन दिया कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, बस आज पहुंचूंगा, कल कपिला तर्पण आदि हो जाए, अब परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने भरोसा कर लिया कि प्रभु तो परसों आएंगे, यहाँ एक पलसों गांव ही हो गया, भगवान की प्रतीक्षा करते करते कब आएंगे, तो परसों आएंगे, वहीं प्रतीक्षा करते रहे, आज वहां पर एक पलसों गांव है, बढ़िया पलसों गांव में प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे रथ, तो यमुना जी अक्रूर जी ने सोचा कि चलो यहाँ पर स्नान कर लिया जाए, तो अक्रूर जी ने कहा कि चलो इसमें स्नान कर लेते हैं, जल गीला कर लेते हैं। भगवान ने कहा मैंने तो बहुत जल गीला कर लिया, अब आपको नहाना है तो जाओ नहा लो, अब छोड़ रहे हैं तो क्यों मुंह करूं, अंतिम में क्यों डुबकी लगा लूं। तो वो रथ में बैठे रहे। अब अक्रूर जी जल के भीतर उतरे, कृष्ण जी और बलराम जी ने मना कर दिया था उसमें नहाने से, यमुना में रथ में ही बैठे रहे किनारे पर, और अक्रूर जी जल के भीतर गए, डुबकी लगाया तो उनको जल के भीतर ही कृष्ण और बलराम जी दिखाई दिए। बोलिए नहीं नहाऊंगा कह रहे थे, मुझसे पहले आ गए जल के भीतर। अब फिर सिर बाहर निकाला, रथ की ओर देखा तो वहां भी चुपचाप बैठे हैं दोनों भाई। बोले अरे जल के भीतर कैसे दिखे, फिर डुबकी लगाया, अब फिर से देखा तो वहां भी कृष्ण बलराम उनको दिखे, दोनों जगह दिखे, तो कुछ समझ में नहीं आया, अब चक्कर खाने लगा इनका जो सिर है, घूमने लगा। तो अक्रूर जी ने सोचा अच्छा विदा करते समय नंद बाबा ने जो मुझे शरबत पिलाया था ना, उसमें जरूर भांग पड़ा था, उसी का प्रभाव है कि मुझे दोनों जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ देर जल में अपने शरीर को निश्चल छोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे छोड़ देता हूँ जिससे निश्चल छोड़ देता हूँ जिससे धीरे धीरे कुछ जल के असर से नशा उतर जाए, तो शरीर ढीला छोड़ दिया उन्होंने। अब अनुभव तो किया आंख बंद करके कि मेरा शरीर नीचे उतरते जा रहा है, उतरते जा रहा है, उतरते जा रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा मैं कमर तक जल में खड़ा था तो कितने नीचे डूब जाऊंगा, आसपास ही होऊंगा, ये नशे का ही असर है ऐसा लगा उनको, लेकिन बहुत नीचे चले गए वो। और वहां पर उन्होंने, ये अक्रूर जी का सौभाग्य है कि भगवान के दशावतार का दर्शन उन्होंने किया है जल के भीतर। शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उसका दर्शन, फिर सैया तो वही रहती थी, विष्णु जी का रूप बदलते जाता था, कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी कूर्म, कभी नरसिंह और अंत में कृष्ण। तो भगवान ने अक्रूर जी के मन में जो थोड़ा सा संदेह था उसको भी दूर करा दिया, ये बता दिया कि मैं ही भगवान हूं, आप चिंता मत करो, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं ही उल्टे उसका उद्धार करूंगा। अक्रूर जी ने दशावतार के दर्शन किए हैं और उस समय दशावतार की स्तुति की है अक्रूर जी ने, उसको हम श्रवण करेंगे। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाभिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे क्षत्युद्धार विहाराय नमः सूकरमूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भृगोणां पतये दृप्तक्षत्रवनक्षिते नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्राय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्किरूपिणे। तो मत्स्य से लेकर कल्कि अवतार तक 10 अवतारों का दर्शन वहां पर अक्रूर जी ने किया। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि यही पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है, और ये ही कंस को मारेंगे, कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा विश्वास उनको प्राप्त हो गया। अक्रूर जी जल से बाहर आए और इसके बाद में मन ही मन अब गदगद हैं, दर्शन करके आए हैं, संतुष्टि है। अब रथ के साथ ये मथुरा पहुंचे, कृष्ण जी ने कहा कि हम मामा जी से मिलने कल आएंगे,
अभी तो ग्वाले के ही वेश में है ना, कुछ राजसी पोशाक सब बनवा लें सिलवा लें और उसके बाद फिर जाएंगे मामा जी से मिलने। अब अक्रूर जी चले गए, उन्होंने कंस को बता दिया कि मैं दोनों को लेके आ गया हूँ, अब बहुत जल्दी वे आकर आपसे मिलेंगे। अब कृष्ण जी जब मथुरा पहुँचे हैं तो उन्होंने जो जो लीला की है इससे भगवान कृष्ण की बहुत से गुणों का पता चलता है। देखिए इतने कुशल हैं ये, चाहे राजनीति हो चाहे युद्ध नीति हो चाहे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें मनोविज्ञान की दृष्टि से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, कंस को मारने से पहले ही उन्होंने उसको अधमरा कर दिया था, ऐसी ऐसी लीला की है, उसके मनोबल को तो पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था, भयभीत कर दिया था। और जो उनके प्रशंसक हैं भक्त हैं समर्थक हैं उनको तो अभयदान प्रदान कर दिया। अब लोगों को लगता था कि 11 साल का एक बालक कैसे कंस को मार सकता है, कई लोग उनके भक्त थे उनके, लेकिन संदेह होता था एक बालक कैसे कंस को मार सकता है। भगवान जब वहां पहुंचे कहा भक्तों को अभय दान प्रदान करना है और दुष्टों को यह संकेत दे देना है कि अब कृष्ण आ गया है, अब वे सावधान हो जाएं। तो उन्होंने अब देखिए पहले तो धोबी के पास पहुंचे और कहते हैं कि भाई हम राजा के मेहमान हैं, राजा के अतिथि हैं, और राजा के अतिथि हैं और कपड़े हमारे पास अच्छे से नहीं हैं। अच्छा नंद बाबा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, अरे मथुरा में किसी दुकान से अच्छा कोई कपड़ा खरीद लेते, इनको कपड़ा पहनना था तो पैसे की क्या कमी नंद बाबा को, तो नहीं धोबी घाट में चले गए कपड़ा मांगने, अरे नया खरीद लेते बढ़िया जो खरीदना हो। तो धोबी के पास चले गए और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए कोई कपड़ा दे दो। अब ये रामावतार वाला ही था और उस समय मर्यादा के कारण भगवान राम ने उसको दंड नहीं दिया था, जिसने सीता जी पर कलंक लगाया, तो भगवान ने सोचा चलो त्रेता से द्वापर युग आ गया है, द्वापर भी समाप्त होने वाला है, तो शायद ये सुधर गया हो तो एक मौका मैं इसको देता हूँ, यदि मुझे ये कपड़ा प्रदान कर दे तो मैं इसकी पुरानी गलती क्षमा कर दूंगा, और नहीं तो फिर अब दो अवतारों का खुन्नस है निकालना ही पड़ेगा ना। फिर भगवान ने कहा कपड़े दे दो। अब धोबी लेकिन अभी तक वो सुधर नहीं पाया था, उसने कहा ये राजा के वस्त्र हैं और तुम तो साधारण चरवाहे हो, एक ग्वाला होकर के राजसी वस्त्र की अभिलाषा करते हो, तुम्हारे भाग्य में यह सुख कहाँ, चले जाओ यहाँ से, उनको उल्टा पुल्टा कहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चपत उसको लगाई और चपत लगने से ही उसका सिर कटकर अलग गिर जा पड़ा, बहुत दूर जा गिरा। तो इस प्रकार से उन्होंने मनोवैज्ञानिक एक संकेत दे दिया अपने शत्रुओं को कि ये बहुत चमत्कारी व्यक्ति है, ये बालक बहुत चमत्कारी है, साधारण नहीं है, ऐसा संकेत उन्होंने दे दिया। तो इस तरह जब उन्होंने उस धोबी का उद्धार किया तो इस लीला में भगवान ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। अब जो उनके भक्त थे उनके गुणानुवाद को गाने वाले थे ऐसे लोग तो संतुष्ट हो गए, बोले जिनके हाथों में ही ऐसा चमत्कार है कि स्पर्श करके ही जिन्होंने इसका उनका सिर अलग कर दिया, तो ये तो कोई चमत्कारी बालक है, साधारण बालक नहीं है, ऐसा विश्वास मथुरा वासियों को हो गया। जो केवल चपत लगाकर किसी का सिर उड़ा दे ये साधारण बालक नहीं हो सकता, ऐसा मनोवैज्ञानिक संकेत भगवान ने दे दिया। वहां जाते ही पहला काम, जो भक्त हैं वो निर्भयता को प्राप्त हो गए और जो उनके शत्रु हैं उनका मनोबल इसमें गिरने लगा। अब एक काम तो भगवान ने कर दिया, बोले भक्तों को कुछ और अभय प्रदान करूं। अब वो कपड़ा लेकर गए दर्जी के पास, कहा भैया इसे अपने नाप का बना दो। अब उसने सोचा कि आज तक तो मैंने ग्राहकों की बड़ी सेवा की, पैसा लिया, आज मुझे लग रहा है कि स्वयं नर नारायण दोनों आज मेरे दुकान में आए हैं, ऐसा भाव आया। बड़े बहुत प्रेम से उसने फिर वो कपड़े तैयार कर दिए। भगवान तो बड़े श्रृंगार प्रिय हैं, जो गर्भ से ही माता के पेट से ही सज धज के आए हों तो बड़े होने के बाद न जाने और कितने श्रृंगार प्रिय होंगे। जन्म के साथ ही हमारे आपके यहाँ कोई बालक हो जाए तो कपड़ा पहन के नहीं आता, परंतु ये तो कपड़े पहन के आए थे ना। तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युदायुधं
श्री वत्स लक्ष्मंगल शोभि कौस्तुभम पीताम्बर आदि पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। तो केवल वस्त्र ही नहीं, आभूषण से युक्त होकर के, आभूषणों से भी युक्त होकर के ये माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, इतने श्रृंगार प्रिय। अब आज इनको अब कपड़ा तो मिल गया उनके नाप का, अब सोचा कि कोई आगे फूल माला और तिलक भी हो जाए तो श्रृंगार पूरा हो जाए। अब भगवान और आगे बढ़े, उस दर्जी पर कृपा की, भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति स्मृति प्रदान की। फिर कुछ आगे बढ़े भगवान, मथुरा वासी उनके दर्शन के लिए ललायित रहते थे, जिस गली से भगवान निकल जाए वहां तो मार्ग में पांव रखने की जगह नहीं रहती थी, उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार से खड़े थे। अगर कोई अत्याचारी राजा हो, उसके अत्याचार से प्रजा दुखी हो, और ऐसा कोई व्यक्ति यदि उस राज्य में प्रवेश करे जिस पर लोगों को भरोसा हो कि ये हमें इस अत्याचारी से मुक्ति दिला सकता है, तो ऐसे महापुरुष के स्वागत के लिए तो जनता उमड़ पड़ती है। आज कृष्ण जी के स्वागत के लिए जनता उमड़ पड़ी। अब भगवान ने सोचा कपड़े तो हो गए ठीक ठाक मामा जी से मिलने लायक, माला भी हो गई, कपड़ा तो हुआ है, माला हो जाए। सामने से माली आ रहा था, उसको लगा कि आज तक मैंने पापी कंस का श्रृंगार किया, आज प्रभु का श्रृंगार कर लूं तो जीवन सफल हो जाए। उन्होंने भगवान को माला पहना दिया, और जो कुछ नहीं मांगता भगवान से वो फायदे में रहता है, लाभ में रहता है। अब कोई मांग ले तो जो मांगेगा वही वस्तु मिलेगा, उसे प्राप्त होगा। एक वस्तु भागवत जी में तो लिखा है, अकामह सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। जिनको सब कुछ चाहिए वो भी, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान नारायण की पूजा करे, उनकी उपासना करे, उनकी शरण में आए। दूसरा स्कंद में सुखदेव जी ने वर्णन किया कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से एक एक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। रूप की प्राप्ति हो तो गंधर्वों की उपासना करे, अन्न की कामना हो तो माता अन्नपूर्णा की या अदिति की कामना उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की उपासना करे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान नारायण की पूजा करने से क्या मिलता है, आपने बताया नहीं। बोले अकामह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की पूजा करे। तो कहा ऐसे में तो फिर कोई इनकी पूजा करेगा ही नहीं, संसार में तो सकामी लोग ज्यादा हैं, निष्कामी तो बहुत कम है, सकाम अधिक हैं। तो बाद में सुधारते हुए कहा या जिनको सब कुछ चाहिए अकामह, या सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, निष्काम भक्त को सीधे मुक्ति दे देते हैं, और सकाम हो यदि भक्त तो पहले उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जटायु को सीधे मुक्ति मिली, सबरी को सीधे मुक्ति मिली, लेकिन विभीषण को और सुग्रीव को पहले राजा बनाया, कहा राजा बनने की इच्छा है उसको पहले सुख भोग लो और उसके बाद मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति तो मिलती है भगवान के चरण में आने से, सकाम को भी निष्काम को भी, लेकिन निष्कामी बहुत जल्दी उनके प्रेम को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो सकाम हो उसको कुछ समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो जो निष्कामी हुए उनको तो बहुत जल्दी अब भगवान ने तुरंत कृपा कर दी उनके ऊपर, लेकिन जो सकाम थे उनको जो मांगा गया वही प्राप्त हुआ। तो माला और कपड़े आदि तो हो गए भगवान के। अब भगवान ने सोचा कुछ और चमत्कार दिखाऊं मथुरा वासियों को, जिससे लगे कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। तो उस समय सामने से वो आ रही थी कुब्जा, अंगराग बनाने में, चंदन बनाने में बड़े निपुण थे, और एक पात्र में अंगराग आदि तैयार करके अब वो आ रही थी। भगवान ने सोचा ये दिखने में भले टेढ़ी है, तीन जगह से त्रिवक्रा भी कहते हैं, लेकिन चंदन बनाने की कला में ये बहुत निपुण है। अब साधारण ऐसे ही रोली आदि को चुपचाप लगा लें वो अलग विषय है, लेकिन चंदन बनाना लगाना ये बहुत बड़ी कला है, कैसे तैयार करें। तो कुब्जा इस कार्य में बहुत निपुण थे। भगवान ने कुब्जा को देखा आते हुए, सिर झुकाए झुकाए आ रही थी बेचारी, टेढ़ी थी। तो भगवान ने उसको देख करके ऐसे कह दिया, ओ सुंदरी कहाँ जा रही, और रुको तो मेरी बात तो सुनो। कुब्जा ने सोचा कौन है जो मुझे सुंदरी का संबोधन ये दे रहे हैं। सिर उठा के देखा, आहा नर नारायण स्वरूप दोनों भाइयों को देखा कुब्जा ने, तो कहती है भगवान ने आप लोगों को सुंदर बनाया, इसमें तो कोई संदेह नहीं,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों की कुरूपता का मजाक उड़ाओ, मुझे चिढ़ा रहे हो। कहा नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में तो तुम सचमुच में सुंदरी हो। अब भगवान की दृष्टि में तो कोई कुरूप है ही नहीं, उनकी दृष्टि देह में तो जाती नहीं है ना, इसलिए। अब लौकिक दृष्टि से कहें तो गोपियों को छोड़ के, राधा जी को छोड़े इनको एक दिन भी नहीं हुआ है और कुब्जा भी इनको सुंदरी दिखने लगी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुब्जा ने कहा अच्छा लगता है तुमको कोई स्वार्थ है मुझसे, इसीलिए बहुत मस्का लगा रहे हो। बोले क्या काम है बताओ। कहा चंदन लगा देते तो ठीक है। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगा दिया, चंदन अर्पित किया। अब भगवान ने सोचा भक्त मुझे जो कुछ भी अर्पित करते हैं मैं उसे रखता तो हूँ नहीं, कई गुना बढ़ा करके उनको दे देता हूँ, उसका फल तुरंत देता हूँ। तो अब इसको, इसने मुझे सुंदर बना दिया तिलक लगा करके, तो मैं भी इसको सुंदरी बना दूँ। तो भगवान ने अपनी दो उंगली उनकी ठोड़ी के नीचे लगाई और पाँव जो है अपने पाँव से दबाया और एक हल्का सा झटका दिया तो वो एकदम सीधी हो गई। अब सर्वांग सुंदरी हो गई। भगवान ने कहा हो गया ना हिसाब बराबर, तुमने मुझे सुंदर बना दिया तो मैंने तुमको सुंदरी बना दिया, हिसाब बराबर ना। लेकिन कुब्जा बहुत चतुर, कहा महाराज अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। बोले कैसे, मैंने तो दो लोगों को सुंदर बनाया, तो बड़े भाई को चंदन लगाने का फल ये हुआ कि मैं सुंदरी हो गई, लेकिन छोटे भाई को आपको चंदन लगाने का फल अभी शेष है। तो बोले क्या चाहिए। तो बोले प्रभु फिर आप मेरे हो जाइए। अपना विचार, अभी जब तक मैं कुरूपा थी तो विवाह का विचार कभी नहीं आया, लेकिन आप अब मिल गए हैं, अब मैं अब सुंदरी भी हो गई, तो फिर अब प्रभु कृपा कीजिए। भगवान ने कहा चंदन लगवाना बहुत महंगा पड़ गया। फिर ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।